तो अब क्वेश्चन नंबर 281 देखते हैं, इसमें क्या दिया है। ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। फिर बोला है कि ए एंड बी दो पॉइंट है, चलिए दो पॉइंट ए एंड बी ले लिए, और इसके बीच में माइनर आर्क पे एक पॉइंट सी ले लिया, ये भी ठीक है। फिर टेंजेंट्स टू द सर्कल एट ए एंड बी, एक टेंजेंट आपको ए पे ड्रॉ करना है, दूसरा टेंजेंट बी पे ड्रॉ करना है। अच्छे से करते हैं ना, बी वाला एंड ए वाला। ठीक ही था पहले वाला, चलिए मान लीजिए कहाँ पे मिल रहा है, डी पे। क्वेश्चन में दिया है कि ए डी बी का एंगल जो है, ए एंगल ए डी बी कितना है, 25 डिग्री। तो हमें बताना है कि ए सी बी कितना होगा, ए सी एंड बी एंगल बताना है ना। तो कोई बात नहीं, हमने सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर से ज्वाइन किया तो क्या होगा, देखिए अगर ए 25 डिग्री है तो सेंटर पे जो एंगल होगा ना, एंगल ए ओ बी, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, कितना हो गया 155 डिग्री। अभी आप सोचोगे 155 कैसे होगा, तो इधर देख लीजिए, अगर ये सर्कल आपके पास है एंड दो टेंजेंट ऐसे किया, वैसे आपको बता दिया गया है कि ओ ए डी बी जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, फिर भी देख लीजिए, ए 90 ए 90 ओ ए बी, इसका नाम पी रख दिया। तो अगर ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे भी ओ ए पी बी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो बाकी दोनों का सम भी 180 होना ही चाहिए ऑपोजिट का, इसलिए 155 डिग्री हो गया। अगर सेंटर पे एंगल 155 है तो सर्कमफेरेंस पे एंगल कितना होगा, उसका हाफ, 155 का हाफ कितना होता है, साढ़े सतहत्तर, तो 77.5 डिग्री हो जाएगा सर्कमफेरेंस। इसका नाम कुछ और रख लेते हैं पी। अभी देखिए पी बी सी ए, ए क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ए सी बी जो एंगल है उसमें अगर आपने 77.5 को जोड़ा, 180 डिग्री होना चाहिए, तो ए सी बी कितना होगा, ये हो जाएगा 102.5 डिग्री। देखिए 102.5 दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे, हो गया ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या यूज किया है, एक तो यूज किया ये कि पेयर ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को अगर आपने सर्कल से ज्वाइन, सर्कल नहीं सेंटर से ज्वाइन किया, इसको मिला के जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर सेंटर पे जो एंगल होता है वो क्या होता है, उसका हाफ होता है, सेंटर पे एंगल डबल, सेंटर पे एंगल सर्कमफेरेंस वाले का डबल होता है। ठीक है, सो यही दोनों का यूज करके तो क्वेश्चन मेनली हो गया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।